आस्था का केंद्र बना मां काली का मंदिर महाराजपुर नगर के प्राचीन मंदिर में इन दिनों धर्म ध्वजा फहरा रही है। कार्यक्रम में नगर के दूर दराज के ग्रामों के श्रद्धालु आ रहे हैं और मां काली के दरबार में चल रहे धार्मिक आयोजन में शामिल होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। नवंबर से बिना रुके 24 घंटे अखंड कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन नगर वासियों के सहयोग से होता है। इसमें कीर्तन गायन के लिए छतरपुर, मलेरा, कुसमा, मऊपुर अनेक जगहों से कीर्तन मंडली आती हैं और यहां आकर कीर्तन मंडलियों द्वारा अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाता है। बुंदेलखंड की परंपरा है, किसी के घर में कोई भी शुभ कार्य का आयोजन होने पर पहला आमंत्रण हरदोल लाला को दिया जाता है। 30 नवंबर को महायज्ञ के साथ ही इस अखंड कीर्तन का समापन किया जाएगा। अखंड कीर्तन अब नाम किया जा रहा है और एक महीने का 24 घंटे अखंड कीर्तन चलता ही रहेगा। क्या महिमा है इस मंदिर की? इसमें यह बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं इनकी मनोकामनाएं अपने जो लेकर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किन के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये कार्यक्रम सभी भक्तजनों के सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है। राम नाम कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। यह कब से कब तक चलेगा? 1 नवंबर से और 30 नवंबर तक कार्यक्रम चलेगा। किस किस उससे यह इसकी बैठकी की गई है? ग्राम के समस्त महान भावों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जिसमें ग्राम की महिलाएं और ग्राम के समस्त महान भाव अच्छा उत्साह पूर्वक भजन कर रहे हैं। क्या रात में भी इसी प्रकार से चालू रहता है? इसी प्रकार से रात में कार्यक्रम चलता है और सेला मऊ आसपास के ग्रामों के संकीर्तन मंडल यहाँ आकर के अपना कार्यक्रम रखते हैं और रामधन करते हैं।